विनेश अय्यर काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं और उनकी इंजरी को लेकर काफी ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं। श्रेयस अय्यर अभी चल रही भारत और न्यूजीलैंड सीरीज का भी हिस्सा नहीं है, उन्हें सीरीज में सिलेक्ट नहीं किया गया था। भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कंधे की जो चोट है उसको लेकर खबर पर अब चुप्पी तोड़ी है, उन दावों को खारिज किया है जिसमें बताया गया था कि ये बल्लेबाज चोट के कारण अगला रणजी मैच नहीं खेलेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्रेयस अय्यर ने लिखा कि कोई भी खबर चलाने से पहले अच्छे से होमवर्क कर लेना चाहिए। उन्होंने साथ ही इन खबरों को चलाने वाले लोगों पर अपना गुस्सा भी व्यक्त किया है। कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि श्रेयस मुंबई के लिए अगला रणजी मैच चोट के कारण नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोई भी खबर पब्लिश करने से पहले होमवर्क कर लेना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि श्रेयस 26 अक्टूबर से त्रिपुरा के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगी क्योंकि कंधे की चोट के कारण वो बाहर हो गए हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने संकेत दिए हैं कि उन्हें कम से कम एक वीक के आराम की जरूरत है। कुछ समय पहले श्रेयस अय्यर ने मुंबई के दूसरे रणजी मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ 190 गेंदों पर 142 रन बनाए थे। मुंबई को पहले मैच में बड़ौदा से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन श्रेयस अय्यर की पारी के दम पर मुंबई की टीम वापसी करने में सफल रही थी। श्रेयस ने उस मैच के बाद कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग बाहर क्या सोचते हैं, मुझे अपने शरीर को देखना होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों में मैंने कितनी प्रगति की है, उसके आधार पर मैं सही निर्णय लूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम मेरा समर्थन करेगी। साल 2024 की जब शुरुआत हुई थी उस दौरान भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी। इस बीच श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर किया गया था। इसके बाद घरेलू क्रिकेट नहीं खेलने के कारण उन्हें BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था। भारत को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है जहां टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इसके लिए टीम की घोषणा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद 28 अक्टूबर को हो सकती है। फिलहाल इस बात के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर इस दौरे के लिए टीम का हिस्सा होंगे। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी, उस सीरीज में कोई गारंटी नहीं है कि श्रेयस अय्यर उस टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें क्रिकेट केसरी के चैनल को।